दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नॉनवेज एंड सिकेडी लोगों को जनरली लगता है कि नॉनवेज में खाने की इच्छा बहुत होती है एंड सिकेडी में तो नॉनवेज खा ही नहीं सकते तो इस वीडियो में आपको इनके सारे जवाब मिलने वाले ऑल द आंसर्स ऑफ सिकी एंड नॉन वेज इन जस्ट वन वीडियो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि नॉनवेज के क्रेविंग को कैसे दबाना नहीं है लेकिन स्मार्टली पूरा किया जा सकता है किडनी के किसी भी पेशेंट में किडनी फेलियर हो या सीकेडी कहो आप या ग्लोमरो नेफ्राइटिस हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो किसी भी तरह का किडनी प्रॉब्लम हो तो ये जो डाइट के सम सजेशंस है ये आपको काम में आ सकते हैं तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप इसे नोट करना चाहिए राइट तो चलिए शुरुआत करते हैं जब भी सी की बात आती है तो सबसे पहले है, प्रोटीन इंटेक को लिमिट करना अब प्रोटीन इंटेक को लिमिट करने के लिए आपको लीन प्रोटीन या फिर लीन मीट इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है अब जब लीन प्रोटीन की बात करेंगे इसमें अगेन सो लीन मीट चिकन ब्रेस्ट फिश स्पेशली सैलमन एंड ऑल ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं आप तो so, उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है लोग फिश में भी काफ़ी सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं देन फ्राइड को ज़्यादा नहीं प्रीफर करना है तो फ्राइड अवॉइड करना है रोस्टेड विल बी प्रीफर्ड लीन प्रोटीन इज वन चॉइस सेकंड कमिंग टू लीन मीट नाउ लीन मीट हैज एन ऑलवेज एन ऑप्शन और रेड मीट नाउ रेड मीट एंड ऑल अदर हैम बेकन एंड पोक ये सब नहीं चलेगा तो आपको नॉर्मल चलेगा नॉर्मल लीन मीट और चिकन ये चल सकता है विच इज़ अ हेल्दियर काइंड ऑफ प्रोटीन इसके बाद आती है फिश फिश इन मॉड्रेशन इज कम्प्लीटली ओके एक बार ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट का इसमें प्रमाण ना हो सॉल्ट जितना कम रखोगे उतना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सॉल्ट की बात की तो सबसे पहला जैसे मैंने कहा प्रोटीन को लिमिट करना होगा दूसरा आता है सॉल्ट सोडियम फॉस्फोरस इनको लिमिट करना ज़रूरी है पोटेशियम इनके सोर्सेस को भी लिमिट करना ज़रूरी है सो नॉन वेज तो चल रहा है लेकिन आप हाँ देख रहे हैं कि हमने प्रोटीन को लीनर फॉर्म में ले रहे हैं दूसरा हम मीट को भी लीनर फॉर्म में ले रहे हैं एंड देन फिश अभी तक ये तीन चीजें प्रिफर कर सकते हैं ऐसी बात हुई है अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इसमें प्रीफर किया जा सकता है आ, फिश के बारे में बात करते समय एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जरूरी है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स तो आपने अगर मीट को स्किप कर दिया चलेगा बट फिश लेना जरूरी है क्योंकि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स कैन एक्चुअली हेल्प योर किडनी सेल्स टू वर्क बेटर तो फंक्शनैलिटी कैन इम्प्रूव एंड इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट तो वो डबल फायदा हो रहा है सो फिश डेफिनेटली लेना चाहिए इन माइल टू मॉडरेशन देन एग वाइट्स नाउ एग फैट्स योक विच एक्चुअली शुड बी अवॉइड स्ट्रिक्टली इट इज अ वेरी हेवी काइंड ऑफ अ फैट विच इज नॉट परमिटेड बट एग वाइट इज अ प्रोटीन एंड ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन यस एग वाइड कैन बी इजिली डाइजेस्टेड एंड दैट कैन बी प्रीफर्ड शुड भी प्रीफर्ड एंड ऑलवेज शुड भी टेकन अदरवाइज वेट लॉस इज वेरी फास्ट इन सिकेंट सो जो एक लेवल हो जाता है सेकेंड स्टेज के बाद सो पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट वीकनेस एंड फीलिंग दैट वेट लॉस एंड फीलिंग दैट ड्रेन आउट फीलिंग सो एग वाइड कैन एक्चुअली हेल्प दम इन रीस्ट्रक्चरिंग द सेल्युलर प्रोटीन्स एंड गेट अ बेटर स्ट्रक्चर बेटर स्ट्रेंथ एंड बेटर कॉन्फिडेंस सो एक वाइट अगेन लाइक फिश इज़ यस इट्स शुड बी टेकन बट अगेन द मॉड्रेशन इज ऑलवेज देयर इन सिक्यूटी एंड नॉन वेज तो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फोरस का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है सो फॉस्फोरस को कंट्रोल रखना चाहिए साथ में पोटेशियम को कंट्रोल रखना चाहिए तो सी फूड्स बाकी जो जनरली शेल फिश होती है या बाकी सी फूड्स है इसे कम से कम में खाएं यूजली फिश इज ओके बाकी सी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जितना भी प्रोसेस्ड मीट है हैम बेकन्स बर्गर बहुत सारी चीज़ें आती है ये कम्पलीट नो नो अवॉइड इट कम्प्लीटली क्योर्ड मीट जो होते हैं आजकल लैब ग्रोन मीट से कम्प्लीटली अवॉइड इट बिकॉज ऑल दिस कंटेंट यूजअली प्रिजर्वेटिव एंड सॉल्ट एंड एवरी थिंग सो इसे अवॉइड करना है एंड द इम्पॉर्टेंट इज मॉडरेशन इज़ द की यस मॉडरेशन आपको जितना भी बताया कि परमिसिबल है ये सिर्फ मॉडरेशन में परमिसिबल है वो भी आपके जो डॉक्टर है उनसे एक बार जरूर पूछना चाहिए बिकॉज एवरी सीकेडी पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर इसलिए अगर आपको सीके में नॉनवेज लेना है तो निराश ना हो ये, कुछ चीज़ें खाई जा सकती है लेकिन आपके डॉक्टर से जरूर पूछेगा बिकॉज योर डॉक्टर नोज मोर अबाउट योर किडनीज रादर देन एल्स राइट सो यस थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद तो अगर अभी आपको सीकेडी के कारण नॉनवेज की क्रेविंग को रोकना पड़ रहा है दबाना पड़ रहा है तो अब ज़रूरत नहीं है ली जा सकती है और ये वीडियो में आपको अगर जानकारी मिली होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बहुत सारे सीकेडी के पेशेंट होते हैं बहुत सारे किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि नॉनवेज क्या परमिटेड है सीकेडी और किडनी फेलियर में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबा दीजिए और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा